हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। सभी में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव में और देरी, आरक्षण के खिलाफ सुनवाई अब 17 अप्रैल के बाद। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई। हाईकोर्ट में अवकाश 17 अप्रैल के बाद करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर, जून में होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा, 50,000 पदों पर भर्ती संभव। तो सरकारी नौकरियों में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CET का शेड्यूल तैयार कर लिया है। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण में 4 से 6 जून तक ग्रुप सी की परीक्षाएं होंगी। दूसरे चरण में 10 से 12 जून तक ग्रुप डी के लिए सुबह व शाम के सत्र में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तो हरियाणा में अभी तक 9,00,000 परीक्षार्थी CET के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएँ आज से। परीक्षार्थी को एग्जाम से 30 मिनट पहले सेंटर पर पहुँचना होगा। यूनिफॉर्म के साथ स्कूल पहचान पत्र जरूरी। तो हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं वहीं आज से शुरू हो रही हैं। 10वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से और 12वीं की 31 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं 29 अप्रैल तक चलने वाली हैं। प्रदेश भर में 1547 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6,68,589 छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे और परीक्षा का समय दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के वक्त हुआ हादसा। सेक्टर 85 में मिट्टी धंसने से चपेट में आए 3 श्रमिक, 2 को सुरक्षित निकाला, 1 की हालत गंभीर। तो हरियाणा के गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के वक्त बड़ा हादसा हो गया। खुदाई के वक्त सेक्टर 85 में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार ढह गई जिससे मिट्टी के नीचे 3 श्रमिक दब गए हैं। 2 को काफ़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया था जबकि 1 श्रमिक की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े में 3 और गिरफ्तार। परीक्षा में अपनी जगह पर दूसरों को बैठाया। SIT ने अब तक 75 आरोपी पकड़े। तो पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती हेतु धोखाधड़ी कर असली उम्मीदवारों की जगह पर दूसरे से परीक्षा के मामले में SIT ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। इन उम्मीदवारों ने अपनी जगह पर दूसरे को परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में बैठाया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेहरबान निवासी गाँव राजली जिला हिसार, आज़ाद जांगड़ा निवासी फैसला जिला हिसार और संजय कुमार निवासी भैनी बादशाहपुर जिला हिसार के रूप में हुई है। अब रजिस्ट्री में धांधली पर लगेगी लगाम। अब तहसील व उप तहसीलों में सक्रिय दलाल निशाने पर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। तो हरियाणा में अब रजिस्ट्री में धांधली पर रोक लगेगी, इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब तहसीलों और उप तहसीलों में सक्रिय दलाल सरकार के निशाने पर हैं। रजिस्ट्रियों में सक्रिय दलालों पर निगाह रखने के लिए इन कार्यालयों में CCTV लगाए जाएंगे। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में 2 से 10 अप्रैल तक चलेगा नवरात्र मेला। इन अधिकारियों को सौंपी रिपोर्ट जिम्मेदारी। तो 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। समय पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र मेले का आयोजन हो रहा है। बता दें कि 2 साल के बाद नवरात्र मेला हो रहा है, इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। उपायुक्त के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नियुक्त किए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट 3 शिफ्टों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से अगले 6 बजे तक ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। मौसम विभाग चंडीगढ़ की ओर से जारी किया गया है पूर्वानुमान। तो हरियाणा में आने वाले 2 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा और साथ में आज वहीं कल यानी 29 और 30 मार्च को प्रदेश भर में ग्रीष्म लहर कह सकते हैं, हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। तापमान आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।